हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैंने बनाना शुरू कर दिया है ब्लॉग आज सुबह से ही, और झाड़ू पोछा हो गया है, नहाना धोना भी हो गया है, और अब जाऊंगी किचन में नाश्ता बनाऊंगी। और आज सुबह से बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, जो जो दिल्ली में रह रहे होंगे उन्हें पता होगा बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो अब चलते हैं किचन में और बनाऊंगी कुछ नाश्ता, देखूंगी क्या बनाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ आप भी। मैं आ गई थी किचन में और सोच रही थी क्या बनाऊँ नाश्ते में। तो ज़्यादा तो कुछ खास नहीं बनाया, पराठे मैंने सेके थे, क्योंकि मैगी और पास्ता ये रोज़ नुकसान करते हैं, मैदा की होते हैं इसलिए। और पराठे बनाए थे और सूखी सब्जी रखी थी। और यही था सुबह का नाश्ता। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, आप लोगों को दिखाई भी, और बारिश बिल्कुल कम नहीं हुई, शाम तक होती रही थी रुक रुक के। और पराठे बनाने के बाद फिर मोटी मिर्चा जो होती है वो मैंने तली थी, क्योंकि अच्छी लगती है खाने में बहुत ज़्यादा। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। तेल डाल दिया था, कुछ नहीं डाला था इसमें मैंने, और जीरा डाल दिया था और मिर्ची डाल दी थी, और उसके बाद नमक डाला था मैंने, और बस तल ली थी। और बाद में नींबू जरूर निचोड़ा था, नींबू आप लोग जरूर निचोड़ना, नींबू से खट्टापन आता है इसलिए नींबू डाला था इसमें। और दाल के साथ अच्छी लगती है ज़्यादा। तो दोपहर में मैंने दाल चावल बनाए थे और ब्लॉग नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि मेरी बेटी की क्लास हो रही थी इसलिए नहीं दिखा पाई थी। और मिर्ची तल ली है और देखना कितनी अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छी लगती है, कड़वी नहीं थी बिल्कुल भी। दोस्तों मैं दिखाऊंगी आपको बारिश, कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं लेके आ गई थी यहाँ आपको बाहर, तो बारिश हो रही थी, ज़्यादा तेज नहीं, फिर भी बाहर निकलो तो बहुत तेज लग रही थी बारिश। दिखाया मैंने थोड़ा ऊपर का भी ज़्यादा दिखाया, तब तो बहुत तेज हो रही थी सुबह सुबह बारिश, और अभी भी हो रही है। और 11 का टाइम है, 11 बजे, 11:30 बजे का, और अभी कम हो रही है, फिर उसके बाद तेज़ होने लगी थी। और कपड़े के लिए जगह नहीं थी कहीं भी, तो मैं तीसरे पोर्शन पे अभी बना नहीं है, तो यही रेलिंग पे मैंने कपड़े डाले हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। कल के भी गीले थे, नहीं सूखे थे कपड़े, तो पहले तो मैं ऊपर गई, वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फिर जब ऊपर गई तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसके बाद फिर सोचती रही कहाँ डालूँ कपड़े, फिर मुझे यहाँ जगह मिली रेलिंग पे, यहाँ बारिश इधर को नहीं आ रही थी, और आएगी भी तो अब गीले तो हैं, सूखेंगे जब सूख जाएंगे, कपड़ा भी ज़रूरी है, नीचे रखे रहेंगे तो फिर बदबू भी आती है कपड़ों में, ज़्यादा धूप नहीं निकल रही है, कल भी ऐसी निकली थी। सो गई थी, सो के अभी जगी हूँ जस्ट, अब लगाऊंगी झाड़ू, झाड़ू लगाने के बाद चाय बनाऊंगी, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। और आप लोग बताना कहाँ कहाँ बारिश हुई मेरे यहाँ, तो आज सुबह से बारिश हो रही है, सुबह 4 बजे से, और बंद बिल्कुल नहीं हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई है। जो दिल्ली में रह रहे हैं उन लोगों को पता होगा आज सुबह से बहुत तेज़ बारिश हुई, और होनी भी चाहिए बारिश, लेकिन ये है थोड़ा किचपिच हो जाता है, कपड़े भी नहीं सूखते हैं इसलिए। और यहाँ किचन में आ गई थी और चिप्स भी तल रही हूँ, उधर चाय बन रही है मेरी। और आज ब्लॉग कोई ख़ास तो नहीं है, फिर भी आप लोग देख लेना, और शाम तक का मैंने दिखाया है क्लिप, और देखूँगी रात को अगर बना सकती तो बनाऊँगी मैं शाम को, रात को भी वीडियो, वो कल शाम तक पहुँचेगा या परसों तक पहुँचे, तो आप लोग जरूर देखना और लाइक भी कर देना अगर पसंद आए वीडियो। और फिर मिलूँगी, और आप लोग ऐसे साथ एक दूसरे का बनाए रखना। चाय बन गई है, बनके हो गई है रेडी, और अब बज रहा है 5 का टाइम है, 5:10 हो गए, और चाय बन गई है, और चिप्स भी मैंने तल लिए हैं थाली में, और अच्छे से नहीं दिखाना, और ये चाय रखी है, आप भी आ जाइए। और अगर वीडियो पसंद जरा सा भी आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल पर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कल मिलूंगी एक अच्छे से, एक नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।